तो चलो आज आपको दिखाते हैं दोहा की स्काईलाइन। तब तक के लिए जस्ट रोल द न्यू इंट्रो। हाँ, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज अभी रात के बज गए हैं 10:30 और हम लोग जा रहे हैं कॉर्निश की तरफ। कॉर्निश एक बोल सकते हैं आपकी समंदर के किनारे छोटा सा उन लोगों ने वॉकवे टाइप बनाया हुआ होता है वो है। और अभी मैं आज अभी आज हाँ आज ईद भी थी, तो ईद मुबारक सभी को। और इंडिया में तो शायद ईद ख़त्म भी होगी होगी, बट यहाँ पे अभी है आज। और हमने उबर की थी, उबर आ गई है। बाकी कॉर्निश पे जाके आपसे बात करते हैं। और आज कुछ नए मेहमान भी हैं हमारे साथ हमारे व्लॉग में, सो उनसे भी मिलेंगे। और हाँ, नई इंट्रो कैसी लगी वो बता देना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको ये टाइम लैप्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक नए मेहमान से। नए मेहमान इन द सेंस कि मेरा फ्लैटमेट है जो आपसे मिला नहीं है आज तक, तो उसकी एंट्री करवाते हैं ब्लॉग में। तो ये रहे मिस्टर विकास शर्मा। हेलो, हाउ आर यू? हाँ, तो ये भाई साहब हैं, कहाँ से हैं? बठिंडा से हैं, पंजाब से। पंजाबी हैं, प्योर पंजाबी हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे ये पीताम्बर वर्मा, आप इनको जानते हैं? वन एंड अ मिलियन। हाँ, अगर वो जो लोग पूछ रहे थे या मेरे को डीएम कर रहे थे कि वो बीच में से पीताम्बर कहाँ गायब हो गया शाम के टाइम जब हम इस्लामी कार्ड जाने वाले थे, तो वो ये हुआ था कि भाई साहब बीमार हो गए थे, सर दर्द हो रही थी, इसलिए इसलिए हमारे साथ नहीं गए। बाकी तभी मेरे साथ फिर वरुण और रोहित भाई गए थे, तो दोनों गए थे। अभी के लिए हम हैं कॉर्निश पे। ये पीछे है, क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर हिंदी में, ठीक है। फिर आगे दिखाते हैं आपको। और बाकी यहाँ पे जो दोहा की मेन स्काई लाइन है वो है यहाँ पे, उसका मैं आपको व्यू दूंगा थोड़ी देर में वो देखते हैं हम लोग। अभी के लिए आप एक चीज़ और इन्जॉय कीजिए जो अभी यहाँ पे हो रही है। लाइटिंग वाले प्लेस में। अभी आप जब से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है मोस्टली अंधेरा ही अंधेरा है, बट यहाँ पे प्रॉपर लाइट्स ही है। मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप है, क्या है, कैटल टाइप है कुछ, उसका एक स्ट्रक्चर है। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई, मैं उसमें डाल दूंगा ब्लॉग में। और अभी हम यहाँ पे जो है वो फोटो शूट कर रहे हैं, मेरे साथ वही तीन बंदे, चार बंदे, वरुण, रोहित, पिताम्बर साथ में खड़ा है। पिताम्बर कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपको पहला वाला ब्लॉग कैसा लगा? जी हाँ, पहले वाले ब्लॉग के बारे में आपको बोलूंगा, पहले आप बता दो कैसा लगा आपको ब्लॉग पहला वाला। बहुत अच्छा था, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम के भी आपसे इसने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया। हाँ, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। मेरे को नहीं लग रहा था कि 50 या 100 व्यू भी हो पाएंगे, बट इट्स 200 से ऊपर व्यू हो चुके हैं। मेरे को बहुत
अच्छा लग रहा है, एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अगर आप देख रहे हो वीडियोस, यहाँ तक देख लिया वीडियोस, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। जब आप शेयर करते हो वीडियो तो उससे क्या होता है कि वीडियो जो है वो एल्गोरिथम में चली जाती है, और एल्गोरिथम में चली जाएगी यूट्यूब के, तो उसमें ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा बंदों को दिखेगी जाके वीडियो। तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखें लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ को। सभी को अतुल ने बता ही रखा है कि हम यहाँ पे अभी कॉर्निश पे आए हुए। रिसेंटली हम यहाँ से निकल रहे थे तो पीछे का आई थॉट के मैं व्यू दिखाऊंगा आपको पर्सनली, वैसे ही क्योंकि हमारे जो बिहाइंड द कैमरा सीन्स है ना वो कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। ये जो हमारे यूट्यूबर हैं अपने इंट्रोडक्शन बनाया, ये देखो ये पसीने से भीगा हुआ है, और ये बेचारे को फोटोग्राफी पकड़ा रखी है मुँह बांध के इसका, ये बंदे की आइडेंटिटी ना क्लोज हो जाए कि इतनी अच्छी फोटोज खींचता है। सुबह सुबह ठोडी पे मास्क लगाए घूम रहा है, मुझे लोगों के कमेंट आ रहे हैं भाई कि वो जो पीतम्बर वर्मा है तेरा वो तो चिन्ह पे लगा के घूम रहा है, या तो प्रॉपरली उसको नीचे कर लिया कवर कर ले उसको पूरा। चलो अभी अगर पीछे से देखोगे ना, हाँ अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा कितने बंदों ने मास्क पहना है और कितने नहीं भाई, तब आपको लग जाएगा पता कि क्या हालत। सच्ची बताऊँ तो मैं भी अपने पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ, बट एक चीज याद में रखिए, देखिए सेफ्टी आपकी अपने हाथ में, आप जहाँ जाना चाहते हैं जहाँ घूम सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कितने मीटर का आपने डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना नहीं पहनना वो आपके ऊपर है। तोड़ देंगे आपके शरीर का कोना कोना, नहीं देने होंगे। क्या वेलकम टू माय चैनल, ओह चैनल टू माय वेलकम, उतार दिए फिर जेड लग दिया केड़ी आई वाली ऐसे साइड और भी बंदे हैगे आ। सॉरी आई एम अ टिपिकली पंजाबी, सो आई यूज टू स्पीक पंजाबी मोस्टली, बट अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ। ये बैठे हमारे दो देवता जी, ये हमारे विदेश्वर साहब हैं, ये हमारे विदेश्वर साहब हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ठीक है। और ये हमारे So that was something unexpected, जो अभी हुआ, we were just you know फोटो ले रहे थे एक दूसरे की, और सडनली पीछे से ये युगांडा के अपने भाई बहन जो भी भाई थे भाई बहन नहीं भाई भाई थे भाई पीछे आ गए, और पीछे आके पता नहीं अपनी भाषा में क्या बोल रहे थे। अब हमारे को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आई, पीपल पावर आवर पावर समथिंग लाइक दैट, पता नहीं मीनिंग भी नहीं पता अभी क्या होता है, नेट पे सर्च करेंगे तभी पता लगेगा। हाँ नारे थे कुछ भी थे, बहुत सही लगा, ये लोग अपने ही फन करते रहते हैं। अभी इन लोगों की मैंने आपको एक वीडियो भी शूट किया जो मैंने आपको बताया दी द कफिंग सॉन्ग वाला, वो भी इस पे नाच रहे थे, अपना इन्जॉयमेंट पूरा इनका चलता रहता है, कोई टेंशन नहीं कोई कुछ नहीं। हाँ मान सकता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोरोना चला हुआ है, बट क्या कर सकते हैं, जो है वह है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, कैसा लगा जो अभी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। युगांडा वाले भाई ने जो किया, पीपल पावा 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 आई डोंट नो बट That's it for today's vlog. I hope you guys liked it. और अगर अच्छा लगा और यहाँ तक देख चुके हो vlog, तो please like कर देना, हाँ और हाँ share ज़रूर करना vlog को. Okay, so that's it for today. Channel को subscribe भी करना. Channel को subscribe ज़रूर करना, हाँ शर्मा के vlogs. So that's it for today. Stay safe, stay healthy, and maintain social distance. Maintain social distance. जय हिंद, जय हिंद, जय भारत.